नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान टाइम्स। राजस्थान टाइम्स के तमाम वीडियो को देखने के लिए राजस्थान टाइम्स चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। आज आपको ले चलते हैं राजस्थान के बजट पर, विशेष क्या क्या रहा। गरीबों की आवास की रजिस्टर पर बड़ी छूट। EWS के मकान पर 2% के बजाय अब 1% ही लगेगी ड्यूटी। LIG के मकान पर 3.5% के बजाय अब 2% ही लगेगी ड्यूटी। किसानों का अभी और भविष्य में स्थायी लगान माफ। एनर्जी वाटर सेफ्टी ऑडिट के खर्च का 75% पुनर्भरण, यह अधिकतम 1,00,000 होगा। स्पिन फेड की बंद इकाइयों के कर्मियों के लिए 25 करोड़ का प्रावधान। राष्ट्रीय राजमार्ग पर 3 करोड़ की लागत से शौचालय निर्माण। 6 नए पैनोरमा विकसित करेंगे। बाड़मेर सांचौर में 1,60,000 बैरल क्रूड उत्पादन। 150 नए कुएं खुदेंगे। 72 करोड़ की लागत से 40 नई इलेक्ट्रिकल बस जयपुर में चलेगी। प्रदेश के मंदिरों के लिए 10,000 करोड़ की राशि देने की घोषणा। कृषि आधारित उद्योगों सेवाओं के लिए इकाइयों को ब्याज अनुदान 7.5 लाख किया। पर्यटन इकाइयों के लिए बहुमंजिला इमारत में फ्लोर लीज या खरीदने पर 50% की छूट। स्टाम्प शुल्क ड्यूटी में जनजातीय क्षेत्र को सौगात। 5 खेल छात्रावास बनेंगे खेल एकेडमी। राजस्थान के मूल निवासियों को रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी। रोजगार सब्सिडी में बढ़ोतरी का किया ऐलान। 1161 नए पुलिसकर्मियों की भर्ती होगी। पटवारी के 2000 पदों पर होगी भर्ती। पुलिसकर्मियों का मैस भत्ता बढ़ा। 81-32 विद्यालय होंगे कर्मोन्नत। मिड डे मील में उच्च माध्यमिक विद्यालयों को भी मिलेगा। 1832 विद्यालय होंगे कर्मोन्नत। 18 उपखंडों पर नए राजकीय कॉलेज खोले जाएंगे। शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए पैमाइनिस के पेंशन के आधार पर रिटायर वाक्यता रखे जाएंगे। 24 ITI में महिला विंग की स्थापना। 8 नए ITI कॉलेज खोले जाएंगे। ITI कॉलेज में स्मार्ट क्लासरूम होंगे। ITI परीक्षा अब ऑनलाइन होगी। ITI पाठ्यक्रम में डिजिटल किए जाने की घोषणा। खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए यूथ आइकन स्कीम शुरू। जयपुर शूटिंग रेंज में इलेक्ट्रॉनिक टारगेट लगेंगे। SMS स्विमिंग पूल इंटरनेशनल स्तर का बनेगा। सरसों व चना के समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए मंडी शुल्क पर छूट। फसलों के रखरखाव के लिए 5 लाख नए गोदाम। ग्रीन हाउस की स्थापना के लिए 32,000 करोड़। नंदी गौशाला के हर जिले को 50 लाख का अनुदान। 3 व 5 हॉर्स पावर विद्युत कनेक्शन के लिए 60% अनुदान। कृषि कॉलेज की निजी क्षेत्र से स्थापना। कोटा में नया कृषि महाविद्यालय। प्रत्येक विधानसभा में 100 हैंडपंप स्वीकृत। जयपुर में 10 करोड़ की लागत से सड़क सुरक्षा केंद्र खोला जाएगा। जगतपुरा शूटिंग रेंज बनेगी अंतर्राष्ट्रीय। नए राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा। रतनगढ़ चूरू में इंडोर स्टेडियम बनेगा। ISC Under-19 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले कमलेश नागरोटी को 25 लाख रुपये देने की घोषणा। 1163 आदर्श स्कूलों में 360 करोड़ की राशि शौचालय के लिए मिली। शिक्षा विभाग में बंपर भर्तियों की सौगात। शिक्षा में 77,000 पदों पर भर्ती होगी। 1,000 नवीन अन्नपूर्णा भंडार खुलेंगे। जयपुर अस्पताल में स्वाइन फ्लू जांच केंद्र बनेगा। जयपुर बीकानेर अजमेर में कैथ लैब बनाने की घोषणा। जयपुर अस्पताल में स्वाइन फ्लू जांच केंद्र। मेडिकल कॉलेज कोटा में भी ड्यूल इमेजिंग सिस्टम की घोषणा। प्रदेश में 28 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की सौगात। जिला चिकित्सालयों में रूफ टॉप सोलर प्लांट स्थापित होंगे। SMS अस्पताल में ट्रोमा सेंटर से जोड़े जाने की योजना। 6 करोड़ की वैसे नए कैथ लैब की घोषणा। 7 करोड़ 90 लाख की भी घोषणा। मातृ शिशु स्वास्थ्य इकाई में सेंट्रलाइज ऑक्सीजन इकाई स्थापित करने की घोषणा। 1,000 नर्सिंग टीचर्स की भर्ती होगी। नर्सिंग टीचर्स आंदोलनकारियों की मांग मानी। नई भर्ती का किया सीएम राजे ने ऐलान। महिलाओं के लिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम की सौगात। अन्नपूर्णा भंडारे के जरिए सैनिटरी पैड्स होंगे उपलब्ध। आंगनबाड़ी सहायिका आशा सहयोगिनी को भी मानदेय में मिली बढ़ोतरी की सौगात। आंगनबाड़ी 6,4500 सहायिका 3,500 साथिन 3,300 आशा सहयोगिनी को 2,500 प्रति माह मिलेंगे। डिग्गी निर्माण पर फोकस। 3,00,000 का अनुदान मिलेगा। सरकार ने किसानों के लिए 50,000 रुपये तक कर्ज माफी की घोषणा की। 936 नए सब स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। 7 लाख नए बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। किसानों को 2 लाख नए कनेक्शन। रामनिवास बाग से अंडरग्राउंड गलियारा बनेगा। बिसलपुर बांध के ब्राह्मणसी बनास परियोजना आएगी। पाली जिले के जवाई पुनर्भरण को मिला पैकेज। अप्रैल तक DPR की घोषणा। बूंदी झालाजी का बराना पेयजल परियोजना घोषणा। 109 करोड़ 29 लाख रुपए खर्च होंगे। पोखरण फलचूर बालोता परियोजना 2018 सितंबर तक पूर्ण होगी। कच्छावन पेयजल योजना की होगी शुरुआत। 500 नए RO प्लांट लगाने की घोषणा। गांवों के कीचड़ से मुक्त किया जाएगा, बनाई जाएगी नालियां। बाड़मेर जैसलमेर को जोड़ने के लिए नई रेलवे लाइन बनेगी। पाली जोधपुर नागौर जिले में 882 किलोमीटर सड़क बनेगी। विश्व बैंक के सहयोग से 80 से अधिक उम्र के वृद्धजन रोडवेज में कर सकेंगे निःशुल्क यात्रा। ट्रेन को भी 50% रियायत। ड्राइविंग लाइसेंस समिति का सभी कार्य पेपरलेस होंगे। इसके साथ साथ वसुंधरा राजे ने आज के बजट के दौरान काफ़ी योजनाओं की, काफ़ी नई घोषणाओं की बारे में घोषणा की। राजस्थान टाइम्स के तमाम वीडियो को देखने के लिए राजस्थान टाइम्स चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर।